ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਰ? मैं एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया ये काम करने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम कर दो ताकि, और इसके बदले तुम्हें जो है हम माला माल करेंगे, हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। मुझ में थोड़ा सा लालच आ गया और ये गलती हो गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, और कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ एक लड़का और कौन था वो? इसका मनोरथ क्या था आम आदमी पार्टी के? इसमें मनोरथ आने वाले चुनाव में वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे थे इस बारे में। ये सर मैंने, हमने चूज नहीं किया, ये उन्होंने कहा कि पंजाब में एक ऐसी एक ही जगह जो जल्दी जल्दी से सेंसिटिव हो के और वहाँ पर कुछ किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि मलेरकोटला में जा कर कर दो। संगरूर तो जगतार बाबा की रिपोर्ट, पैरेदा टीवी।